तो आज़र भाई और हरभजन हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। हम बात कर रहे हैं हार के सबसे बड़े कारण को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें देखने को मिल रहा है कि विराट का फ्लॉप होना टीम इंडिया को काफी ज्यादा चुभा है, क्योंकि सबसे बड़ा प्लेयर अगर आपका फ्लॉप हो जाए तो आपको चुभता है। सुनते हैं कि पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का क्या कहना है विराट के प्रदर्शन के बारे में। बड़ी हार दादा, और पहले भी हमने बात की थी कि अगर भारत हारता है तो शायद वन साइडेड हारता है, क्लोज मैच होगा, भारत जीतेगा। तमाम तरह के समीकरण लगाए थे, लेकिन ये नहीं सोचा था कि इतना वन साइडेड सेमीफाइनल। बिल्कुल, और आज ऑस्ट्रेलिया ने तीनों डिपार्टमेंट्स में, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, हर डिपार्टमेंट्स में भारत से आगे था। टॉस भी बहुत बेहतरीन जीता, क्रूशियल टॉस था, और इस पिच के ऊपर एक समय तो लग रहा था 350 से ज़्यादा रन बनाएंगे, जब उनके तेज भारत के बीच में तेज़ गेंदबाजों ने उनको वापस लेके आए गेम में। बट 330 भी बहुत रन होते हैं इस अटैक के सामने। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, साउथ अफ्रीका ने तो न्यूजीलैंड को बनाने दिया 200-300 के करीब रन, छोटे मैदान भी था। जो भी हो, दूसरा कैप्टन होता तो उस मैदान पे भी नहीं बनने देते। विराट कोहली, दादा विराट कोहली इस वर्ल्ड कप का बड़ा सितारा था हम सबके लिए, और पहले मैच में 100 बनाया उन्होंने। हमें लग रहा था कि विराट कोहली इस वर्ल्ड कप को अपने नाम करेंगे। टीम जीतती रही, विराट कोहली से बड़ी पारी नहीं आई, हमें लगा क्वार्टर फाइनल में, आज सेमीफाइनल। इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन विराट कोहली को उन्होंने कहकर आउट किया आज। देखिए, मैं विराट कोहली को ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करूँगा विक्रांत, क्योंकि इस 4 महीने में उन्होंने 5 शतक लगाए ऑस्ट्रेलिया में। देखिए, खराब समय होता है, बड़े मैच पे हम आज आउट हो गए तो इसीलिए इतनी क्रिटिसिज्म हुई है, होगा भी, आगे भी होगा। लेकिन सबको ये देखना पड़ेगा कि एक प्लेयर ने यहाँ नवंबर महीने आया था और मार्च के एंड में जितने भी मैचेस खेले हैं, टेस्ट क्रिकेट खेले हैं, वनडे क्रिकेट खेले हैं, 5 शतक लगाए हैं, तो उसको इतना क्रिटिसाइज करना सही नहीं होगा। बिल्कुल मैं मानता हूँ आज खराब शॉट आउट होगी, खराब शॉट थी। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, 330 जब बनाने होते हैं तब अब ज़्यादा से ज़्यादा बॉल छोड़ नहीं सकते। यही अगर 290 बनाने होते वो इसको ऐसे थर्ड मैन पे खेल के एक सिंगल लेके चले जाता, क्योंकि उससे पहले उसके 10 डॉट बॉल चले गए हैं। तो उनके दिमाग में होता है कि यार 10 डॉट बॉल चले गए, एक बाउंड्री मारो, प्रेशर निकालो। तो देखिए, अगर भारत आज 330 बनाता, ऑस्ट्रेलिया नहीं बना पाता। बात ये उठ रही थी कि शायद इस वर्ल्ड कप के खत्म होते ही धोनी रिटायरमेंट ले लेंगे, बड़ी जोरों से कयास चल रही थी। लेकिन जब ये सवाल खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के सामने आया तो क्या कहा धोनी ने? नहीं नहीं, अभी इतना बुढ़ा नहीं हुआ हूँ, यू नो आई एम क्वाइट फास्ट। फिर भी कुछ बता दो, मतलब कल नहीं होना चाहिए? नहीं, मैंने बताया तो आप लोग रिसर्च करके एकदम परफेक्ट बनाओ कि इंडिकेशन के साथ क्या क्या हो रहा है, इसकी बॉडी कितना प्रेशर ले सक रही है, क्या हो रहा है, और उसका कंप्लीट ऑपोजिट लिखना वही होगा। क्या आपका क्या ख्याल है, कप्तानी बैटन चेंज हो जाना चाहिए या कप्तानी वनडे में धोनी को और कंटिन्यू करना चाहिए? मैं हरभजन से पूछ नहीं सकता हूँ क्योंकि ये मौजूदा खिलाड़ी भी है। नहीं, देखिए, वनडे में मेरे ख्याल में कैप्टनसी धोनी को ही देंगे, क्योंकि अगर वो खेल रहे तो मेरे ख्याल में वो कैप्टन बन के खेलेंगे। कैप्टन चेंज कर देना चाहिए धोनी, अगर कोई और कप्तान बन जाए और टीम को आगे लेके जाए, चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेंज कर सकते हैं। बट एज ए प्लेयर, बट मैं समझता हूँ अगर वो कैप्टन बनेंगे, अगर एज ए प्लेयर खेलेंगे तो मैं चाहूंगा कि वो ऊपर आके बैटिंग करें, क्योंकि 6-7 नंबर में ठीक है, अब वो टाइम तो चलेगा आप 6-7 नंबर का, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलना चाहिए। अगर आज भी अगर मेरे ख्याल में थोड़ा ऊपर आके खेलते तो एक कैप्टन ऊपर, कैप्टन का ऊपर खेलना है बड़े स्कोर में, एक अलग कॉन्फिडेंस देता है प्लेट के लिए। बिल्कुल, ये सवाल मैं आपसे नहीं पूछूंगा हरभजन, क्योंकि आप मौजूदा खिलाड़ी हैं, विवादों में फंस जाएंगे आप कि ऐसे कोई हरभजन ने बोल दिया। लेकिन आप वर्ल्ड कप, वैसे ही आपको बता देता हूं कि धोनी से बढ़िया कप्तान नहीं है कोई, और कप्तान नहीं है, लेकिन बैटन चेंज होना भी एक वक्त आता है जब आपको लगता है कि उनके रहते अगर कोई ग्रेजुएट हो जाए कप्तानी के लिए तो बेहतर होता है। जी, ये इन सब की चीज़ का तो मुझे पता नहीं कौन ग्रेजुएट है या नहीं, बट डेफिनेटली धोनी ग्रेजुएट है और धोनी सबसे बढ़िया कप्तान है। चाहे आज हम मैच हार गए, बाहर हो गए, हम सब उदास हैं, प्लेयर्स कितने उदास होंगे मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आज सबसे ज़्यादा अगर किसी ऊपर के बीत रही होगी तो वो प्लेयर्स के ऊपर। तो आज के दिन एक जाते जाते सवाल बता दीजिए, मेलबर्न में फाइनल है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच, पूल ऐसे दोनों टीमें पहुंची हैं और दोनों जो टीमें हैं वो मेज़बान हैं और दोनों आपस में फाइनल में भिड़ रही है, कौन फेवरेट है इस टीम में? ऑस्ट्रेलिया ये वर्ल्ड कप फाइनल जीतेगा। अजहर भाई, आपको भी यही लगता है? सेम।